मजबूत कानून आर्टिकल क्या था, ये किस शख्स ने दिया? तो मिर्जा जरबेग से थे। अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस को इनकार है तो अलग बात है, अगर शेख साहब कानून दान थे, ये तो कानून की बात है, आईन की बात है, अगर वो कानून दान थे तो मैं मानूंगा। अगर आप हिस्ट्री देखेंगे, बख्शी साहब की मैं बात कर रहा हूँ, उन्होंने वो अपॉर्चुनिस्ट थे और इख्तदार पकड़ लिया। और आप फारूक साहब से कभी पूछ लीजिए, कह दीजिए क्या ये सब पॉसिबल है कि बेग साहब आपके रास्ते में रुकावट हो सकता थे? शेख साहब का तो वो बैकग्राउंड था। और फिर जैसे आपने खुद कहा, फिर इसमें कानून इन्वॉल्व है, कैसे करना है, रेवेन्यू इन्वॉल्व है, तो रेवेन्यू के मास्टर तो बेग साहब थे, कानून दान तो बेग साहब थे, शेख साहब तो एमएससी केमिस्ट थे, लीडर थे वो। अगर रेस्ट ऑफ द कंट्री के डॉक्टर बी आर अम्बेडकर थे तो आप फख्र से कह सकते हैं हमारा बी आर अम्बेडकर न सिर्फ बी आर अम्बेडकर थे बल्कि मिर्जा अफजल बेग साहब थे। आप देख रहे हैं प्राइम पोस्ट पॉडकास्ट उधर से ऋषि के साथ। आज हमारे साथ मौजूद है मिर्जा महबूब बेग साहब। मिर्जा महबूब बेग साहब की अगर हम बात करें, इनका काफी सियासी लंबा सियासी करियर है और कई बार ये मेंबर पार्लियामेंट रह चुके, स्टेट की कैबिनेट में इनका बर्चर का हिस्सा था। और उसके अलावा अगर हम बात करें कि बेग साहब एक बड़ी लेगेसी से जुड़े हुए हैं जिनको तवारीख फखरे कश्मीर भी कहते हैं, यानी हम बात कर रहे हैं मिर्जा मोहम्मद अफजल बेग साहब, जिनका काफी रोल रहा है। अगर हम पोस्ट 1947 के बाद की बात करें, उनको तवारीख कई कामों से जानते हैं, चाहे हम बात करें लैंड रिफॉर्म की, या बात करें कॉन्स्टिट्यूट असेंबली की, या इसके अलावा भी वो शेख साहब के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भी रह चुके हैं। लेकिन इसके अलावा 45 साल यानी 45 ईयर्स चार डेकेड्स की लॉयल्टी को भी उसके बाद डिसलॉयल कहा गया। उसी सारे मुद्दों पे हम आज बात करने आए हैं मिर्जा महबूब बेग साहब से। बेग साहब पहले खैर मदद करते हैं, अगर हम बात करें लॉयल्टी की, जिस तरह हमने कहा कि मिर्जा साहब ने तकरीबन 45 ईयर्स चार दशक दिए होंगे नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ यानी शेख साहब के साथ, तो फिर क्या वजह हुई कि उनको फिर इस नाम से भी बुलाया गया? देखिए आपने बहुत अच्छा सवाल किया है, मैं तो चाहता हूँ कि आप भी रिसर्च कर लीजिए, हो सकता है मेरा जवाब बायस्ड हो, और मैं कोशिश करूँगा बायस होने की बात ही नहीं है, मैं सन ऑफ द सॉइल बात करूँ। जैसे आपने कहा मेरा भी 83 से पॉलिटिकल करियर शुरू हुआ है, सफर शुरू हुआ है। दो बातें मैं आपको याद दिलाऊंगा, शेख साहब ने, शेख मोहम्मद अब्दुल्ला साहब ने हजरत बल में बेग साहब के बारे में कहा, बेग साहब बैठे थे फख्र कश्मीर, उनके बगल में वो तकरीर कर रहे थे हजरत बल में, उन्होंने बेग साहब की तरफ इशारा किया और कहा इस शख्स ने यानी बेग साहब मेरा इतना साथ दिया है कि अगर आप इस्लाम इजाजत देता है इस बात का तो हम एक ही कब्र में दफन होते। ठीक है, जब 53 हुआ, सभी, मैं नाम नहीं लूंगा आप जानते हैं, सभी जो कदावर शख्सियतें थी वो शेख साहब के साथ थी। जब पहला उनका टेस्ट हुआ 53 हुआ, जब शेख साहब डिसमिस हो गया, तो एक ही शख्स का नाम आप ले सकते हैं जिन्होंने शेख साहब का साथ दिया, उनका नाम था मिर्जा मोहम्मद अफजल बेग। ये हिस्ट्री है, फैक्चुअल, बख्शी साहब ने नहीं किया, सादिक साहब ने नहीं किया, और बहुत सारे थे कदावर शख्सियत थे, उन्होंने नहीं साथ दिया। इससे पहले भी मैं आपको याद दिलाऊं, महाराजा हरी सिंह की कैबिनेट में मिर्जा अफजल बेग साहब पहले कश्मीरी मुस्लिम थे जो कैबिनेट मिनिस्टर रहे। जब तहरीक ने उनको भेजा कैबिनेट में और अहमद यार खान साहब को भेजा, फिर जब तहरीक ने उनको वापस बुलाया, अहमद यार खान साहब वापस नहीं आए, बेग साहब ने वापस आ गए, उन्होंने छोड़ दी कैबिनेट महाराजा हरी सिंह की। मैं उस जमाने की बात कर रहा हूं जब कश्मीरी मुसलमान चपरासी की नौकरी के लिए तड़पता था, और बेग साहब ने जवानी के आलम में महाराजा हरी सिंह की कैबिनेट छोड़ दी, अहमद यार खान साहब ने नहीं छोड़ी,
मुझे नहीं लगता इससे बड़ा टेस्ट क्या हो सकता है। और लॉयल्टी का क्या क्या मतलब है? अगर आपका मतलब लॉयल्टी से इंडिविजुअल की लॉयल्टी है, आई एम सॉरी, इंडिविजुअल के साथ लॉयल्टी नहीं रखते। शेख साहब सिंबल थे कई उसूलों के, तो बेग साहब उन उसूलों के आशिक थे। बहुत सारे, जैसे हम कासे रिसर्च कर रहे थे तो हमने पढ़ के जितने भी कानून उस जमाने बने आर्किटेक्ट उनमें बेग साहब के थे। आ जाऊंगा मैं उसे बात। दो एवरलास्टिंग कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं तमाम लीडरशिप की, नौकरियां देना ये सब गवर्नमेंट करती है, बेकारी बेरोजगारी कामयाब ज्यादा हर गवर्नमेंट एड्रेस करती है, सड़कें हर गवर्नमेंट बनाती है, कॉलेज वगैरह सब बनाती है। एवरलास्टिंग कॉन्ट्रीब्यूशन लैंड रिफॉर्म्स, शेख साहब शहर से ताल्लुक रखते थे, लीडरशिप शेख साहब थे, शेख साहब शहर से ताल्लुक रखते थे, बेग साहब खुद जमींदार घराने से ताल्लुक रखते थे, उनका रूरल बैकग्राउंड था, ठीक है ना। तो उन्होंने देखा था कि जागीरदारी का जुल्म, सूदखारी का जुल्म कैसे इस काश्कार गरीब को खा रहा था। अगर आपके पास वक्त है मैं मिसाल दूंगा। एक बार वो अनंतनाग से लामण जा रहे थे, घोड़े पे सवार थे और घोड़ा घोड़े की लगाम किसी के हाथ में थी। रास्ते में कोई गांव आया तो बेग साहब रुक गए। वहां उन्होंने देखा एक बुजुर्ग आदमी एक नौजवान को बहुत फिजिकली पीट रहा है लगातार। बेग साहब ने इस घोड़े वाले को जिसके हाथ में घोड़े की लगाम थी उसको कहा, अरे इसको इधर बुलाओ, क्यों इसको पीटे जा रहा है। वो आया तो उसने कहा कश्मीरी में, कहा आई डोंट नो मैं कश्मीरी में हूं कि नहीं। जी आप कहते। तो उन्होंने इसे कहा क्या शुक्र में लड़के से लाए, मैं कुछ यूथ का ले थे विषय तो शुक्र में लगातार लाए, अब क्या यूथ खाता करो। दोनों यहाँ शुभ में बचे में लड़के दोस्त ऑल द मोर रीजन, एम क्या को रीजन एम को इशारा दोनों बेच सब कुछ हुआ कुछ। वहाँ एक जागीरदार बैठा था, वो पगड़ी बांधते थे, पगड़ी आइडेंटिटी थी। कहा यह खुश गसन यूद वो एम्स लाए टू दी में ये दानी फैल शाम गुजरे मैं हाँ से बचते पा रहे। बेग साहब ने मुझे कहा, कहा उसी दिन मैंने कसम खाई, मैंने कहा अल्लाह अगर मुझे इख्तदार देगा पावर देगा तो मैं इसको मालिक बनाऊंगा इस जमीन का, ठीक है। फिर शेख साहब एज लीडर जब गए बड़गाम का, वो पहला काश्कार था, वो आप देख सकते हैं वो हिस्टोरिकल पिक्चर, उसमें बेग साहब एज रेवेन्यू मिनिस्टर पहले काश्कार को जमीन का मालिक बनाता वो तो विदाउट एनी कॉम्पनसेशन। मैं पे आपने रोकना चाहूंगा क्योंकि जो आपने मिसाल की आज तक जो हमने देखा या बड़े बूढ़ों से सुना है वो अक्सर बेहतर ये मिसालें जो है मुंसलिक करते हैं शेख साहब से, तो आज आपने बताया कि ऐसे भी शेख साहब लीडर थे। शेख साहब तो लीडर थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू लीडर थे, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल का कोई कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं, क्या जो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का कोई कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं। यही तो कश्मीर की हिस्ट्री की एक 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 आयरनी है, अभी तक तो हिस्ट्री रिवील हुई नहीं, अभी तक तो ये तो पहला मैं इंटरव्यू इस किस्म का दे रहा हूँ, ये तो आपको तो दिलचस्प कंटिन्यू करेंगे उस पे कि जो लॉयल्टी पे जी। तो मेरा मतलब था मैं कॉन्ट्रीब्यूशन से ही बात पहले खत्म करूँ। तो उसके बाद जो जो जागीरदार थे इन्फ्लुएंशियल थे वो पंडित जवाहरलाल नेहरू के पास गए, वो प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने उनसे कहा कि ये ठीक नहीं कहता आप कर रहे हैं, इनको अलाउ मत कीजिए। अगर कश्मीरी इकोनॉमिकली एम्पावर होगा ये पॉलिटिकल न्यूसेंस बनेगा। तो फिर चूंकि बेग साहब कर चुके थे तो उन्होंने फिर ये मुद्दा उठाया कि फिर उनको कह दीजिए कि कंपनसेट करें उन जागीरदारों। बेग साहब ने आर्ग्यू किया कि अगर उनके पास इतने पैसे होते तो फिर मैं उनको क्यों मालिक बना देता, उनके पास पैसे ही नहीं। ये पहला हिस्टोरिकल है जो विदाउट एनी कॉम्पनसेशन काश्कार को मालिक बना दिया गया और सूदखारी वगैरह। शेख साहब लीडर थे, ऑफ कोर्स लीडर थे, उन्होंने रोका नहीं, ये कह सकते हैं बेग साहब को रोका नहीं, मना नहीं किया, ये आप कह सकते हैं, बट शेख साहब का तो वो बैकग्राउंड था। और फिर जैसे आपने खुद कहा फिर इसमें कानून इन्वॉल्व है, कैसे करना है, रेवेन्यू इन्वॉल्व है, तो रेवेन्यू के मास्टर तो बेग साहब थे, कानून दान तो बेग साहब थे, शेख साहब तो एमएससी केमिस्ट थे,
लीडर थे वो, आवाज तो उन्होंने पहले दी कार्य करता है। दूसरा मैं आपको कहूंगा अभी आर्टिकल 370 16 दिन बहस चली, पता नहीं आपने देखा कि नहीं देखा, एक आर्टिकल पे 16 दिन बहस हो रही है और कपिल सिब्बल 3.5 दिन बहस कर रहे हैं। और फिर क्या, अगर आपने देखा होगा क्या ट्रैक्स था उसका, देखिए मजबूत कानून आर्टिकल क्या था, ये किस शख्स ने दिया, तो मिर्जा दरबेग से थे। अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस को इनकार है तो अलग बात है, अगर शेख साहब कानूनदान थे ये तो कानून की बात है, आईन की बात है, अगर वो कानूनदान थे तो मैं मानूंगा। कितना मजबूत, कपिल सिब्बल को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने पूछा क्या आपका मतलब है अगर पूरा देश 130 करोड़ लोग इंक्लूडिंग कश्मीरी चाहते कि आर्टिकल 370 एब्रोगेट हो या इसको डिसफंक्शनल बनाया जाए या इसको ऑपरेशनल नहीं बनाया जाए, जिस ऑपरेशनल बनाया जाए, आपका मतलब ये तब भी नहीं हो सकता है। कपिल सिब्बल जैसे कानूनदार ने क्या जवाब दिया, कहा कानूनी आईनी तरीके से बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर आप कहें कि कानूनी आईनी तरीका ढूंढिए, मुझे बैठना पड़ेगा, ढूंढना पड़ेगा, मगर अभी तक क्या कोई कानूनी तरीका था, नहीं, ये एक पॉलिटिकल डिसीजन था। तो इस कदर मजबूत कानून किसने इस कौम को दिया? अगर रेस्ट ऑफ द कंट्री के डॉक्टर बी आर अम्बेडकर थे तो आप फख्र से कह सकते हैं हमारा बी आर अम्बेडकर न सिर्फ बी आर अम्बेडकर थे बल्कि मिर्जा अफजल बेग साहब थे। लॉयल्टी डिसलॉयल्टी की बात, अगर जिसने जवानी के दिनों में जब कश्मीरी को चपरासी की नौकरी नहीं मिलती थी, और तहरीक के कहने पे मैं फिर तहरीक कहूंगा, शेख साहब एक इंडिविजुअल थे, तो तहरीक ने वापस बुलाया और सेकंड थॉट नहीं दिया बेग साहब ने और वापस आए, 53 का सानिहा हुआ, शेख साहब को डिसमिस किया, जो उनको नौजिबिल्ला नौजिबिल्ला पता नहीं क्या क्या दर्जा देते थे। अगर आप हिस्ट्री देखेंगे, बख्शी साहब की मैं बात कर रहा हूँ, उन्होंने वो अपॉर्चुनिस्ट थे और इख्तदार पकड़ लिया। अगर उस वक्त आंखें खोल के पूरा दिमाग लगा कि उन्होंने जिंदानों और जेलों में शेख साहब का साथ दिया, तो फिर बुढ़ापे में वो डिसलॉयल हो, पहले तो डिसलॉयल्टी और शेख साहब ये तो जाते नहीं, ये तो बहुत ज्यादती है, ये तो बहुत ही ज्यादती है, क्योंकि जब शेख साहब बीमार हो गए लास्ट दिनों में, शेख साहब जुदा हो चुके थे, शेख साहब देखने आए, क्योंकि मैंने सुना डॉक्टर एलीजान ने उनको कहा था बेग साहब अब पहचानते नहीं, वो सेमिकोमा में, ये मैं SMHS हॉस्पिटल की बात कर रहा हूँ, ICU यूनिट में थे, मैं वहाँ था, शेख साहब पूरी कैबिनेट लेके आए। हम वो वजह भी जानना चाहते थे किस पे, मतलब आकर कर किस पे इनको निकलना पड़ा। शेख साहब ने उनको सेमिकोमा में थे, बेग साहब को कहा कि बेग साहब नेचुरली वो सेमिकोमा में थे, बेग साहब फिर उन्होंने आंखें खोली, कहा मुझे पहचानते हैं, कहा 45 साल नहीं पहचान सका, अब साल में कहाँ पहचान, ये तो इंडियन एक्सप्रेस ने कैरी किया उनका वेट और ह्यूमर, दूसरे में नहीं था। इसलिए ये लफ्ज मुझे तकलीफ देते हैं। क्या मैं आपसे पूछता हूँ, क्या ऐसा शख्स जिसने सारी जिंदगी सारा कानून सारा आईन शेख साहब की लीडरशिप को सस्टेन करने के लिए दी, मैं आपको सवाल पूछूंगा, इसको हमने देखा फाइव स्टार काजी निसार शेख अब्दुल कितने दिन गायब, सईद अली शाह गिलानी साहब मैन ऑफ द स्ट्रीट्स बाद में क्यों गायब हो गए, और भी कई लोग, शाह शबीर शाह कितने दिन, वो शेख अब्दुल्ला बनना हुआ कितने दिन, मेरा दावा है 50 साल शेख अब्दुल्ला को शेर कश्मीर रखने वाला मिर्जा अफजल बेग का कानून आईन उनका दिमाग था, क्योंकि ये कोई इजी जॉब नहीं, शेख अब्दुल्ला बनना 2 हफ्ते के लिए टेम्परेरली इजी है, मगर शेख अब्दुल्ला कब्र तक शेर कश्मीर रहना, जहां लाखों कश्मीरी साथ गए शेख साहब के, इसके लिए कोई मिर्जा अफजल बेग चाहिए जो आपको डायरेक्शन दे, जो आपको मीनिंग दे, जो आपको कंटेंट दे, जो आपको सिचुएशन में जिंदा रखे। तो ऐसा शख्स ही डिसलॉयल मत कहिए आप। दूसरा आप कुछ पूछ रहे थे कंट्रीब्यूशन का, मैंने बताया, और क्या पूछ रहे, ये भी जानेंगे जो
अभी अभी 2012 में एक नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से एक स्टेटमेंट आया था जिसमें शेख साहब और इंदिरा गांधी के कार्ड के बारे में कहा, उन्होंने उसको डिस्क्लेम किया था कि ये हमने साइन, शेख साहब ने इसको साइन नहीं किया था। लेकिन फिर उसमें भी ये भी कहा गया था कि वो अफजल साहब ने, अफजल साहब और कोई आई साहब सर थे, उन्होंने उस पर मगर शेख साहब ये जानते थे कि उसके बाद चीफ मिनिस्टर मैं ही बनूंगा, उनको अकॉर्ड का कुछ पता नहीं था। ये तो कितना बेतुका लगता है, अकॉर्ड का जो उसको कहते हैं बेग पार्था सारथी, अकॉर्ड में बताऊंगा आपको वो भी, उसको बोलते हैं बेग पार्था सारथी अकॉर्ड। बेग साहब को शेख साहब ने नॉमिनेट किया था, आप बातचीत कीजिए, इंदिरा जी ने, इंदिरा गांधी ने, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने जी पार्था सारथी को नॉमिनेट किया था, आप बातचीत किए, जो दो ढाई तीन साल बातचीत है, आपको इसका पता ही नहीं। उसके बाद 77 इलेक्शन जब शेख साहब बीमार हो गए, सिंगल हैंडेड बेग साहब ने वो कैंपेन चलाई, सिंगल हैंडेड, शेख साहब बेड में थे, वो बीमार थे, एक जलसा उन्होंने एड्रेस नहीं किया क्योंकि सेहत ठीक नहीं थी उनकी। उसके बाद जब वो हो गया तो वो निकल आए और प्रताप पार्क में कहा मैं ठीक हूं, मैं टेक ओवर करूं। बड़ी अजीब बात है, आपने नॉमिनेट किसी शख्स को किया, उन्होंने बातचीत की, क्योंकि इस सिचुएशन में वो आपको सूट नहीं करता है, इसलिए उनको खबर ही नहीं कि वो कहा है। मगर चीफ मिनिस्टर वही बने, चीफ मिनिस्टर बेग साहब तो नहीं बने, अकॉर्ड का रिजल्ट तो फिर चीफ मिनिस्टरशिप था ना, वो तो शेख साहब बने ना, अकॉर्ड के बाद भी और 77 के बाद भी तो वो बने। जहां तक बेग पार्था सारथी अकॉर्ड का, उसका तो मैं डिफेंड करता हूँ, बिल्कुल बेग साहब ने किया। क्या किया मैं आपको बताऊंगा क्या किया, उसका क्रैक्स में बताऊंगा। क्रैक्स ये था कि हम तब टेक ओवर करेंगे पावर जब 53 से 75 तक जो लॉज एक्सटेंड किए गए हैं हमारी गैरहजरी में जम्मू कश्मीर में, उनको हम देखेंगे और जो जम्मू कश्मीर के हित में नहीं है उनको हम रिजेक्ट करेंगे, और जो ठीक होंगे, जम्मू कश्मीर के फायदे में होंगे, इंटरेस्ट में होंगे, उनको हम एक्सेप्ट करेंगे। मेरा दावा है कि 77 से 78 तक ही बेग साहब रहे, 78 में उन्होंने रिजाइन किया, उन्होंने मीटिंगें की और वो लॉज किए। मेरा तो दावा है कि वो चूंकि वो परस्यू कर रहे थे इसलिए उनको निकाला गया, मेरा तो काउंटर दावा है। और उसके बाद एक मीटिंग मुझे बता दीजिए अगर शेख साहब ने बुलवाई होगी, डीडी ठाकुर साहब थे फिर लॉ मिनिस्टर, एक मीटिंग मुझे बता दीजिए। नंबर वन, नंबर टू, आपको एक और बात बताऊंगा, आपके लिए हिस्टोरिकल होगी क्योंकि अभी चीजें रिवील हुई नहीं, अभी हिस्ट्री हिस्टोरियन देख रहा है, अभी लास्ट वर्ड कश्मीर पर लिखा नहीं गया, ये मेरी आप बात याद कीजिए, रिकॉर्ड कर लीजिए, अभी लास्ट वर्ड नहीं आया। पता नहीं मैं किस बात पे आपको कह रहा था, यही जो अकॉर्ड के बारे में। हाँ, अकॉर्ड के बारे में सुनिए मेरी बात, एक मैं आपको, आप डिस्प्रूव करा लीजिए इसको, इस पे साइन है मिर्जा अफजल बेग नॉमिनी ऑफ शेख अब्दुल्ला, जी पार्था सारथी नॉमिनी ऑफ इंदिरा जी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, उसमें लिखा गया है, आई एम कोटिंग दैट, उसमें लिखा गया है वी द नॉमिनीज ऑफ शेख साहब एंड इंदिरा जी कुड नॉट रीच टू ए सेटलमेंट ऑन इंपॉर्टेंट इश्यूज, therefore we are reverting back to our principal parties which is Sheikh Mohammed Abdullah and Indira Gandhi, signed Mirza Abdul Baig, signed it. ये वो accord का है, document का है, किस है? इंदिरा जी को अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा क्या आपने माना है कि बेग पार्था सारथी accord में क्या आपने माना है कि शेख साहब टेक ओवर करेंगे एज वजीर आजम? इंदिरा जी ने कहा हाँ, बेग साहब ने इस पे इंसिस्ट किया कि शेख साहब टेक ओवर करेंगे एज वजीर आजम। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा कि तो फिर कंफ्यूजन होगा, एक मुल्क में दो प्राइम मिनिस्टर कैसे? इंदिरा जी ने कहा मैंने बेग साहब को कहा है अगर आप इंसिस्ट करते हैं कि शेख साहब टेक ओवर करेंगे एज वजीर आजम तो उसको अंग्रेजी में भी वजीर आजम ही कहेंगे, अंग्रेजी में प्राइम मिनिस्टर सिर्फ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया रहेगा तो शेख साहब टेक ओवर करेंगे एज वजीर आजम, और इंग्लिश में भी वो वजीर आजम ही होगा। शेख साहब ने बाद में गांधरबल में तकरीर की, नाम में क्या रखा है? इंदिरा जी एक खिलती हुई कली है, मैं कोट कर रहा हूं शेख साहब को,
इनके रास्ते में रुकावटें खड़ी मत कीजिए। तो उनको शायद कह रहे थे कि ये बेग साहब रुकावटें खड़ी कर रहे हैं। बाद में शेख साहब, बेग साहब ने शेख साहब को कहा, अब अगर आप कह रहे हैं कि वजीर आला ही ठीक है, फिर आपको सूट नहीं करता, आपकी जो बेगम साहिबा है जिनको मादर मेहरबान भी कहते थे, उनको कह दीजिए टेक ओवर करें, आप मत टेक ओवर करें। जी, जो आज के सियासी एक्सपर्ट हैं वो कह रहे हैं कि 1965 में जो हुआ, जैसे प्राइम मिनिस्टर वजीर आला में बन गया, चीफ मिनिस्टर में और सदर रियासत गवर्नर बन गया, वो तो उसी टाइम जो एप्लीकेशन हुआ था आर्टिकल के, आज तो झटका लगा है जो ये 2019 में हुआ है, इस पे आप कितना सहमत? नहीं, देखिए वो बहुत बड़ा सामिया था, इसमें कोई शक नहीं। टेक्निकली सो फार एज लॉ इज कंसर्न्ड, सो फार एज लीगैलिटी इज कंसर्न्ड, वो सादिक साहब उस वक्त चीफ मिनिस्टर, और बहुत दुख की बात है कि उन्होंने कैसे मान लिया, कि वो बहुत बड़ा धक्का था। ये बिल्कुल सही आप कह रहे हैं कि वो टेक्निकली लीगली बहुत बड़ा झटका था हमारी स्पेशल पोजीशन को इरोड करने में, कि जब सदर रियासत को गवर्नर और प्राइम मिनिस्टर को वजीर आला में किया। ये बड़ी अफसोस की बात थी कि उसमें हम ही, हमारी ही सोसाइटी में ही, कश्मीर से ही कुछ ऐसे लोग निकले जैसे सादिक साहब, जैसे पढ़े लिखे आदमी, वो बख्शी साहब की तरह नहीं थे, वो पढ़े लिखे थे, तो उन्होंने तो उनके हाथ से ही हुआ, इसके अफसोस ही कर सकते हैं और क्या कर सकते हैं। बाकी ये जो कह रहे हैं क्या 5 अगस्त 2019 को कुछ भी नहीं हुआ, अगर कुछ भी नहीं हुआ तो फिर ये इतने बड़ा क्यों, इसमें बीजेपी कहती है कि हमने इतना बड़ा कारनामा किया। एक नेशन में एक साइकोलॉजी भी प्ले करती है, एक साइकी थी कश्मीरी की, क्यों नहीं था, झंडा था हमारा अपना, उसका मतलब है हमारी आइडेंटिटी अभी भी थी, मैं उसको ढांचा नहीं मानूंगा, उसमें हमारी आइडेंटिटी अभी भी, जैसे GST पूरी कंट्री में अप्लाई हुआ उस वक्त, मुझे फख्र है महबूबा मुफ्ती चीफ मिनिस्टर थी, बीजेपी के कैबिनेट मिनिस्टर थे, उन्होंने, उनको कहा हम कैबिनेट स्पेशल सेशन बुलवाएंगे जम्मू कश्मीर लेजिस्लेटिव असेंबली, उस वक्त बीजेपी ने प्रोटेस्ट नहीं किया, उस वक्त बीजेपी ने नहीं कहा ये एक विधान, एक प्रधान, एक मंत्री, एक पता नहीं क्या क्या, एक जबान, एक मजहब, उस वक्त नहीं कहा, और महबूबा मुफ्ती ने कहा नहीं हम स्पेशल सेशन बुलाएंगे, ये अप्लाई नहीं होगा। फिर तो अप्लाई कौन है, वो जम्मू कश्मीर की असेंबली का पावर जो थे, हमने पावर को एग्जीक्यूट किया, चलो उस पे हम नहीं जाएंगे। आज हम एक साथ भी बात करें, आप हमें बताइए बेग साहब के कुछ ऐसे मेमोरेबल मोमेंट्स जो खाली या आपको पता है, या मतलब जो आपने देखे हैं उनमें कुछ किरदार उनका बताइए। उनका कमिटमेंट था, उनका कन्विक्शन था कि अगर कुछ करना है तो इसको उनके लिए। मुझे आप दूसरी मिसाल दे दीजिए, अगर बेग साहब सियासत में नहीं आते, अपना लॉ करते, कानून ही चलाते, लॉयर ही रखते, तो डिंगलफुट जो क्वींस काउंसिल का से लॉयर आया था, GS पाटिक जो हमारे देश के फिर वाइस प्रेसिडेंट भी बने, उन्होंने बेग साहब को कहा जब कश्मीर साजिश केस में वो आर्ग्यू कर रहे थे, कहा बेग साहब यू कम आउट ऑफ पॉलिटिक्स, यू कैन बी एन ऑर्नमेंट ऑफ एनी वार इन इंडिया। तो वो तो उन जमाने के अरबपति होते अगर वो करते, मगर उनका कन्विक्शन कमिटमेंट था कि पॉलिटिक्स में आके, ये एक मिशन है पॉलिटिक्स, इसके जरिए हम लोगों में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, उसके लिए हमारी फैमिली ने, हमारी डायनेस्टी ने सफर किया। 53 जब हुआ, बेग साहब अकेले अरेस्ट नहीं हुआ, हमारे फैमिली में, पूरी बेग डायनेस्टी में जो भी एडल्ट मेल्स थे वो अरेस्टेड थे, उनका तो आप नाम भी आप नहीं जानते। और मुझे याद है हम इस मकान में थे, तो हमारे घर आना, ये तो आप आज आप बाकी लोग देख रहे हैं, हमारे घर आना तो अपने आप को फांसी दिलवाने के बराबर था, किसी को अलाउ नहीं था। दूसरे दिन वो जेलों में होते थे जो डालते थे। फैमिली है, फैमिली तो सफर करते हैं। यहाँ मैं बेग साहब से ज्यादा अपनी वालदा का नाम लूंगा, उन्होंने जो सफर किया, उनके साथ जो इरिटेशंस, उनकी लाइफ में इरिटेशंस थी, आप इमेजिन नहीं कर सकते वो कितनी इरिटेटेड मेरी माँ रहती थी, क्योंकि उनके पास लड़कियां थी, उन दिनों मुसलमान घर से तल्लुक रखते थे, गाँव में थे, उन दिनों तो अनंतनाग टाउन बिल्कुल गाँव था, उसको कैसे डील किया। मैं तो बेग साहब से ज्यादा अपनी वालदा को कहूंगा कि उन्होंने कितना सफर किया जब बेग साहब जेलों में थे 20-22 बरस, और जब भी बाहर आते थे तो
यही फिर भी पब्लिक लाइफ में वो बिजी रहते थे बहुत। फिर मैं इसी बात पे आऊंगा, जैसे शेख साहब भी रहे, भाई साहब वो भी 11 साल में भाई साहब वो भी रहे जे, लेकिन मिर्जा साहब भी रहे, लेकिन इतनी मतलब इनको पॉपुलरिटी इतनी क्यों नहीं मिली? ये पॉपुलरिटी की बात नहीं है, वो आप उस जनरेशन से किसी से भी पूछ सकते हैं कि ब्रेन बिहाइंड कौन था जिसने भी किताब लिखी है। ये तो काफी है मेरे लिए और हमारे लिए, जब भी कोई किताब लिखता है वो कहते हैं ब्रेन बिहाइंड सिर्फ शायद, अच्छा ये फकरे जो हम कह रहे थे ना, ब्रेन बिहाइंड शेख अब्दुल्ला वाज मिर्ज़ा अफजल बेग। एक बार पंडित जवाहरलाल नेहरू से पूछा गया, आपने अच्छा याद दिलाया मुझे, पंडित जवाहरलाल नेहरू जब 53 हुआ, जब शेख साहब डिसमिस हो गए, अरेस्ट हुए, बेग साहब भी थे, तो उनसे पूछा गया, पंडित जवाहरलाल नेहरू से, प्राइम मिनिस्टर हमारे थे, उनसे पूछा किसी जर्नलिस्ट ने, आप जैसे ही किसी जर्नलिस्ट ने पूछा, सर मिस्टर प्राइम मिनिस्टर हाउ डिड इट हैपन, हाउ डिड 53 हैपन, यू आर सो क्लोज, यू आर वेरी क्लोज फ्रेंड्स, शेख साहब एंड यू वेर वेरी वेरी क्लोज, हाउ डिड 53 हैपन। पंडित जी टुक ए पॉज, ही जस्ट थॉट एंड ही देन सेड, ही सेड यू नो द इविल जीनियस बिहाइंड शेख अब्दुल्ला, इविल जीनियस बिकॉज फॉर हिम ही वाज इविल, बट ही वाज जीनियस, ही वाज जीनियस। ये जो आप बात कर रहे हैं मैं फिर आपको कहूंगा, शेख साहब लीडर थे मगर कॉन्ट्रीब्यूशन, जैसे मैंने आपको क्या, एक बार याद बात है, जैसे कि मैंने कल जो पढ़ रहा था मैं, तो इसमें ये भी आया कि शेख साहब जो थे वो फारूक साहब को बनाना चाहते थे चीफ मिनिस्टर, तो ये भी वजह हुई कि उनको पार्टी, इसमें कितनी सच है? आप फारूक साहब से पूछ लीजिए, मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि वो फारूक साहब को बिल्कुल मेरी तरह लुक आफ्टर करते थे, अपना बेटा समझते थे, और उन दिनों, अब आज का मुझे पता नहीं, उन दिनों जितनी इज्जत फारूक साहब की के दिल में बेग साहब के लिए थी, मुझे नहीं लगता है शेख साहब के लिए कम से कम बराबर थी, ये मैं आपको दावे से बोल सकता हूँ। इसलिए बेग साहब की हेल्थ तो बहुत ही खराब थी, बल्कि शेख साहब उम्र में बहुत बड़े थे, मगर 11 जून 82 पहले बेग साहब की डेथ हुई, उसके बाद 8 सितंबर शेख साहब की डेथ हुई, और उनकी हेल्थ फेलिंग हेल्थ थी, हर जेल में वो एक एक एलमेंट लेके आए, तो वो जब उन्होंने जवानी के दिनों में महाराजा हरि सिंह की कैबिनेट छोड़ दी, तो वो फारूक साहब जिनको वो अपना बच्चा समझते थे उनके लिए कंपटीशन में आते, वो तो सवाल ही पैदा नहीं होता, वो तो हिस्ट्री आपको कहेगी कि ये सवाल, और आप फारूक साहब से कभी पूछ लीजिए, कह दीजिए क्या ये सब पॉसिबल है कि बेग साहब आपके रस्ते में रुकावट हो सकता थे? अगर हम बात करें जैसे उस टाइम मास लीडरशिप थी उनके साथ, एक बड़ा मास था, अगर वो कहते थे कोई बात तो मानी जाते थी, आज की लीडरशिप में उसको उस तरह का मास पावर नहीं है, उसकी वजह क्या? ये देखिए मैं आपको बताऊंगा, सिचुएशंस एक जैसी रहती नहीं है, सिचुएशंस बदलती है, सिचुएशंस एक जैसी, एक तो इस वक्त मुझे लगता है कश्मीरी को ट्रस्ट उसने लूज किया, ही थिंक्स आई कांट ट्रस्ट एनीबॉडी, ही फील्स बिट्रेड, ही फील्स लेट डाउन, ये कहते हैं कि उस शख्स के लिए मैंने इतने कब्रिस्तान भरे वो कहाँ हैं जब मेरा वजूद इस वक्त खतरे में, तो उसका ट्रस्ट लूज हो चुका है, और आप दो सिचुएशंस को कंपेयर नहीं कर सकते, और लगता है कम से कम आज तक जैसे उन्होंने, आप अंदाजा कीजिए, प्लेबिसिट फ्रंट से फिर नेशनल कॉन्फ्रेंस, फिर नेशनल कॉन्फ्रेंस में 77 इलेक्शन का द फेयरेस्ट इलेक्शन और स्वीप किया जिसमें शेख साहब बेड पे रहे, वो कैंपेन नहीं कर सके, वो ट्रस्ट था, उन्होंने ट्रस्ट अर्न किया था जम्मू कश्मीर के लोगों का, कश्मीर के लोगों का, वो ट्रस्ट अर्न करना उसकी है, तो जो है शीर प्लानी के बराबर है, उसके लिए तो बहुत मेहनत की जरूरत है। अच्छा जो न्यू दिल्ली ने मतलब यहाँ की उस टाइम की लीडरशिप पे कहीं ना कहीं उनको थोड़ा भरोसा था, या मतलब वो कंसिडर करते थे इनको न्यू दिल्ली यहाँ के श्रीनगर लीडरशिप, लेकिन आज की लीडरशिप को वो उतना कंसिडर नहीं करते, इसकी क्या वजह? नहीं देखिए पहले तो ये भी कंट्रोवर्शियल है, क्या वो करते थे कि नहीं करते थे, अब शेख साहब अगर पंडित जी के दोस्त थे, 52 दिल्ली एग्रीमेंट बेग साहब ने जो ड्राफ्ट किया था जिसपे शेख साहब और पंडित जी के दस्तखत थे, जो स्पेशल पोजीशन की गारंटी थी 52 एक साल ही के बाद डिसमिस हो गए, और कश्मीर कॉन्स्पिरेसी केस पंडित जी के टाइम में इनके खिलाफ लॉन्च किया, जो बेग साहब ने सिंगल हैंडेड फाइट किया, और वो कश्मीर कॉन्स्पिरेसी केस पर उनको विड्रॉ करना पड़ा, मुझे लगता है ट्रस्ट की डेफिशिएंसी तो हमेशा रही, ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है हमारे लिए भी और पूरे देश के लिए भी, मगर ट्रस्ट डेफिसिट अगर कहेंगे आप सेंटर और स्टेट को लेकर, मुझे लगता है
कम या ज्यादा ये हर वक्त था, कम था ज्यादा। एक टाइमलाइन में देख रहा था 1969 के बाद जो गवर्नेंस यहाँ पे एस्टेब्लिश हुई 1965 के बाद 65 जब जो भी गवर्नर यहाँ ये किए गए यहाँ पे एडॉप्ट किए गए या एस्टेब्लिश किए गए यहाँ पे तो कहीं ना कहीं उनमें ज्यादा ब्यूरोक्रेट्स हमको दिखने को मिले। तो क्या ये भी वजह थी कि यहाँ पे जो यहाँ की लीडरशिप थे उनको खाली नॉमिनीज बना के भी रखते थे यहाँ पे और जो भरोसा पीछे बैक चैनल भी चलती थी गवर्नर के जरिए? नहीं, मैं ऐसा नहीं कहूँगा, देखिए मैं ऐसा नहीं कहूँगा, पर बदकिस्मती से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने हमेशा मैनेज किया कश्मीर, उन्होंने दिल नहीं जीतने की कोशिश की कश्मीरियों की। मतलब मैं आपको कहूँगा, चलिए शेख साहब एक साथ अरेस्ट हो गए, चलिए मान लिया पंडित जी का अपना व्यू पॉइंट था, ठीक है छोड़ दीजिए एक तरफ, शेख साहब एक साहब अरेस्ट हुए, बाकी कश्मीरियों को तो फेयर इलेक्शन देना चाहिए था। कश्मीरियों ने क्या बिगाड़ा था? इतने बड़े देश का हिस्सा, अगर हर जगह डेमोक्रेसी थी, कल भी मैं अरुण जेटली जी की तकरीर सुन रहा था राज्यसभा में, मतलब अंदाजा कीजिए आप, अरुण जेटली कह रहे थे आज कांग्रेस पे चोट कर रहे थे, आजाद साहब बैठे थे सामने उन दिनों कांग्रेस में थे, उन पे चोट कर रहे थे कि आप वहां क्या एमएलए बनाते थे, उनको खालिक मेड एमएलए बोलते थे। मैंने कितनी शर्म की बात है ये पूरे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए, पूरी सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए। आज की गवर्नमेंट उनको ब्लेम करती है कि वहां खालिक मेड एमएलए बनाते थे, आप लोगों के एमएलए नहीं बनाते थे। आज जो हालत है वो आपके सामने भी है। तो इन्होंने कश्मीर को जैसे यहाँ पे आप हमारे व्यूअर्स कंफ्यूज हो जाएंगे थोड़ा, ये खालिक मेड वाला थोड़ा खालिक मेड एमएलए थे। हाँ भाई, मैं आपको बताऊंगा, जब शेख साहब एक साहब अरेस्ट हुए, यहाँ के इलेक्शन निराले इलेक्शन थे, खालिक साहब एक डीसी थे, अब अल्लाह उनको मगफिरत करे, शायद वो डिस्ट्रिक्ट डोडा के थे, उनको मेन चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर या नॉमिनी या वो करते थे या इलेक्शन जो देखते थे उसमें, वो जो अपोजिशन जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नहीं चाहती थी सेंट्रल गवर्नमेंट, उनका रिजेक्ट करते थे खालिक साहब, और जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को सूट करते थे उनको वो डिक्लेयर सक्सेसफुल करते थे, तो उनको खालिक मेड एमएलए बोलते थे। तो कांग्रेस ने खालिक मेड एमएलए दिए, इन्होंने तो बेड़ा ही गर्क कर दिया। ये तो एमएलए बनाने देखने के हक में नहीं है, क्योंकि 4 साल हो गए, द ओनली प्लेस इन द कंट्री जहां देखिए, अभी मध्य प्रदेश के आने वाले हैं आज से ही शेड्यूलिंग है, राजस्थान के आने आज से ही शेड्यूलिंग, हम 4 साल से हैं। तो कहते हैं ना, जब आपने वर्स्ट देखा बैड देखा हो, फिर कहते हैं आप ये बैड है आप वर्स्ट है, बस यही फर्क है, यू हैव टू चूज बिटवीन बैड एंड द वर्स्ट, लेसर इवल एंड द ग्रेटर इवल, बाकी फर्क मुझे नहीं लगता है, क्योंकि बदकिस्मती से उन्होंने कश्मीर को मैनेज किया। और एक शख्स यहां मैं आपको बताऊंगा, ये वरना नाइंसाफी होगी, एक प्राइम मिनिस्टर जो कश्मीरी का दुख समझते थे वो अटल बिहारी वाजपेयी थे, बीजेपी के कदावर, आरएसएस के प्रचारक, मगर जब वो प्राइम मिनिस्टर बने वो 140 करोड़ लोगों के प्राइम मिनिस्टर बने और कश्मीरियों के समेत प्राइम मिनिस्टर बने। जब उनको कहा गया, मुफ्ती साहब ने हीलिंग टच की, जब उनको कहा गया कि नहीं पाकिस्तान से बातचीत करनी है, कारगिल अटैक जो बैक स्टैबिंग थी, मैं बार बार कह रहा हूं, उसके बाद भी बातचीत की, टेम्पल ऑफ डेमोक्रेसी पार्लियामेंट पे अटैक हुआ फिर भी बातचीत की, पाकिस्तान के साथ भी बातचीत की, हुर्रियत के साथ भी बातचीत की, और अनफॉर्चुनेटली वो नहीं रहे, बल्कि ऑलमोस्ट क्लिंच किया था इशू, कश्मीर इशू की रेजोल्यूशन, हालांकि वो, बल्कि मैं कहता हूं मोदी जी और अमित शाह साहब को अपने ही कदावर लीडर अटल बिहारी वाजपेयी जी और अडवाणी जी से सीखना चाहिए कि जब प्राइम मिनिस्टर बनते हैं, होम मिनिस्टर बनते हैं, फिर उन लोगों का भी बनते हैं जो आपके साथ रहे हैं, जो आपके साथ, जो आपके खिलाफ है, वो भी सुनते हैं, वो अटल बिहारी वाजपेयी थे। और एज कश्मीरी मेरे फेवरेट प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी थे, जिन्होंने हमारा दुख समझ के इसको ग्रे एरिया में रिजॉल्व करने की कोशिश की थी। फिर जैसे आप कह रहे हैं कि 1953 में भी फिर ऐसे ही हुआ था, जैसे आप आज कह रहे हैं कि आज जो मोदी जी कर रहे हैं अमित शाह जी, उस टाइम भी कांग्रेस ने फिर ऐसे ही, वही तो मैं कह रहा हूँ, कोई फर्क नहीं, ये जरा ब्रेजन है, वो ब्रेजन नहीं था, वो मीठा जहर देते हैं, ये कहते हैं नहीं ये जहर है ये पी लो, वही बदकिस्मती। हालांकि इस वक्त भी अगर ये यहाँ के दिल, क्या प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने नहीं कहा दिल की दूरी दिल्ली की दूरी, उन्होंने खुद एक्सेप्ट किया, पता नहीं करने में जब आता है तो वो क्यों नहीं, वाजपेयी जी का फॉर्मूला आगे है उनके सामने, वो उसको सिर्फ इम्प्लीमेंट करना है उनको, और कुछ नहीं करना है,
उन्होंने वाजपेयी जी ने कहा था दोस्त बदल सकते हैं, हमसाया नहीं बदल सकते, बातचीत में कन्विक्शन था। टाइम हो गया, हम लास्ट में कुछ तवारीख के इशू पर बात करेंगे। 1987 के इलेक्शन को कैसे देखते हैं? नहीं, 87 के इलेक्शन अनफॉर्चुनेट थे। 87 के इलेक्शन फेयर होते तो हमको ये दिन देखने नहीं पड़ते जो 90 के बाद लगातार कोकरणा का एनकाउंटर तक हम देख रहे हैं, और पता नहीं इसका कब, अल्लाह करे, अल्लाह ही इंटरवीन करे और इस मुसीबत से आपको निकाले। 87 रिस्पॉन्सिबल है इसका, और कौन सा इवेंट रिस्पॉन्सिबल है? क्या कौन सी कयामत आ जाती है अगर 5-10 लोग माफ के भी कामयाब होते? और आप अच्छी तरह से जानते हैं वो लोग जो उस वक्त इलेक्टोरल प्रोसेस में थे उन्होंने ही फिर गन उठाई, और आज भी हम ये भुगत रहे हैं। बड़ा अनफॉर्चुनेट था 87 का इलेक्शन अगेन, और अपने ही लोगों से जब वो भी छुरी चली कश्मीरी के, अपने ही लोगों के हाथों में उन्होंने वो दुख भी दिए, उसके बाद हम भुगत रहे। आज में हमें बताइए कि हिस्ट्री से कितना सीखना पड़ेगा आज की जनरेशन? बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। हमने बड़ी गलतियां की। क्या सजेस्ट करेंगे लीडरशिप को? मैं लीडरशिप को करता हूँ, एक तो लोगों के साथ आप सिंसियर रहे, जो भी आप कहते हैं आप उनको ऑनेस्टली बता दीजिए, कन्फ्यूजन मत रखिए किसी भी बात पे, क्लियरली उनको बता दीजिए हमारी पोजीशन क्या है, हम क्या अचीव कर सकते हैं क्या नहीं अचीव कर सकते। और फिर अगर आप उनका ट्रस्ट जीतना चाहते हैं, उनको लगना चाहिए ये ओवरनाइट नहीं होगा, इसमें टाइम लगेगा, ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम उनको लगना चाहिए ये वाकई हमारे खैर खा है, जैसे वो भीख साहब को समझते थे, शेख साहब को समझते, वाकई ये हमारे खैर खा, उसमें टाइम लगेगा, मगर वो करना पड़ेगा, उसके बगैर कोई चारा नहीं, वो करना पड़ेगा। तभी जब वो रेस्टोर होगा उनका फेथ, उनका कॉन्फिडेंस लीडरशिप में, तभी फिर लीडरों और लोगों के दरमियान में एक अच्छा रिश्ता बनेगा। आज की मौजूदा सूरत हाल को आप कैसे देखते हैं? नहीं, बहुत ही खराब, बहुत ही खराब। अब जिस देश के हिस्से में इलेक्शन ना हो, लोगों को अपने चुने हुए नुमाइंदों की सरकार बनाने के हक से महरूम रखा जाए, और इसकी बुनियादी वजह जो है वो 5 अगस्त 2019 है। 5 अगस्त 2019 को जो इन्होंने किया, उसके बाद लगातार ये जो करते रहे, ये तो बहुत ही अफसोसनाक है। हम इस वक्त उस दलदल में हैं, उस दलदल से मुझे लगता है कि डिवाइन इंटरवेंशन हो। आज बहुत बड़ा दिन है कि हमारे दिल टूटे और ऊपर वाले से ये दुआ करें कि इंटरवीन करके हमको इस दलदल से निजात दिलाए, कोई ऐसी लीडरशिप मिले जो सिंसियर हो, ऑनेस्ट हो कंसिस्टेंटली, और लोगों को लगे कि ये सिंसियर और ऑनेस्ट है, जो फॉलो करके हमको इस दलदल से निकाल सकते। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। थे हमारे साथ बेग साहब, जिन्होंने बात की कश्मीर की तवारीख की मंजरों पे, और प्राइड ऑफ कश्मीर यानी फख्र कश्मीर की जो लेगेसी है उस पर भी हमने बात की। आप बने रहे प्राइम पोस्ट के साथ।